हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आया है क्योंकि मैं दशहरे की छुट्टी में घर चली गई थी अपने गांव तो वहाँ भी मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं डाल पाई थी तो सोचा कि आज आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाए तो फ्रेंड्स अभी तो मैं आराम कर रही हूँ और अब तो साफ सफाई का दिन आ गया है दीपावली आने वाली है तो हम जितना हो सके उतना अपने घर की साफ सफाई करते हैं झाड़ते हैं हर जगह बस घर को चमकाने में लगे रहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा हो कहीं भी कोई गंदगी ना हो तो वही काम मैं भी कर रही हूँ और करने के बाद अभी मैं थोड़ी देर सोची कि आराम कर लूँ क्योंकि सुबह उठने के बाद थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पाता सोने का तो अभी जब मिल लेटी तो मुझे हल्की सी नींद जैसी लगने लगी तो मैं सोची कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ जिससे मुझे नींद ना आए क्योंकि बच्चों को भी लाने का अब टाइम हो रहा है तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो आप लोगों का दशहरा कैसा बीता और हमारा तो बहुत ही अच्छा बीता लेकिन तबीयत थोड़ी खराब हो गई बहुत ही जोड़ों की सर्दी हो गई थी और दवा जबली में तब जाकर ठीक हुई तो अभी तो मैं आराम कर रही हूँ और खाना भी बन गया है और धीरे धीरे साफ सफाई भी मैं कर रही हूँ तो साफ सफाई करते हुए अपने शरीर की देखभाल करना है और ये जो डस्ट वगैरह उड़ता है उससे भी हमें अपने आपको बचाना है तो फ्रेंड्स जब मैं घर से आई तो कुछ गेस्ट आ गए थे मेरी दीदी लोग आ गई हुई थी तो शॉपिंग के लिए और हम लोग अभी शॉपिंग करना स्टार्ट किए हैं लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग हो रही है और बहुत जल्द मैं भी अपने लिए शॉपिंग करूंगी अभी मैंने बच्चों के लिए शॉपिंग कर लिया है लेकिन उनका भी कुछ सामान अभी बाकी है तो जब मेरी दीदी आई थी तो हम सब चले गए थे नर्सरी छोटे छोटे प्लांट लेने तो मैंने भी दो तीन प्लांट खरीदा है चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ तो फ्रेंड्स पौधा कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट तो ज़रूर करना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ मेरी हेल्प करना कि मैं क्या बनूँ कैसा ड्रेस लूँ क्योंकि आप लोग अगर हेल्प कर दोगे तो मुझे थोड़ी तो आसानी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर बताना और मेरी हेल्प करना तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा और पौधा बहुत ही खूबसूरत लगा बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने भी ख़रीद लिया वैसे जब मैं गांव चली जाती हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं पौधे सूख ना जाए लेकिन बगल में जो भाभी हैं वो बहुत हेल्प करती हैं जब मैं नहीं रहती हूँ तो मेरे पौधों में पानी डाल देती हैं और उनकी देखभाल करती हैं तो इस बार भी हमें दीपावली में घर जाना है और दीपावली के बाद ही हमारे घर में फंक्शन होने वाला है तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या फंक्शन होने वाला है उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और हमेशा आपको वीडियो देखते रहना होगा तब आपको समझ में आएगा कि हम सब किस चीज़ के लिए इतनी शॉपिंग कर रहे हैं और इतनी तैयारियां कर रही हैं तो बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है और मुझे तो टेंशन हो गई है क्योंकि मैंने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है बच्चों के लिए ही सिर्फ मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है लेकिन अभी भी राजा के लिए मैंने कुछ नहीं खरीदा है ना ही अपने लिए खरीदा है तो सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूँ तो आप सब प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए मेरी और बताइए कि मैं क्या पहनूँगी वैसे मैं आपको बता ही देती हूँ कि मेरे घर में क्या फंक्शन होने वाला है तो फ्रेंड्स मेरे घर में इंगेजमेंट का फंक्शन होने वाला है लेकिन किसका है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किसका इंगेजमेंट है तो मैं सोच रही हूँ इंगेजमेंट के लिए क्या लूँ क्योंकि मैं शादी समय लहंगा सोच रही हूँ पहनने के लिए कि लहंगा देखूँगी अगर पसंद आया तो लूँगी लेकिन इंगेजमेंट के लिए क्या मैं साड़ी पहनूँ या गाउन पहनूँ प्लीज़ आप सब मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइएगा कि मुझ पर क्या अच्छा लगेगा गाउन ले लूँ या साड़ी ले लूँ क्योंकि यही दो ऑप्शन है या गाउन या साड़ी तो साड़ी तो मेरे पास है लेकिन इंगेजमेंट के लिए मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छी सी ड्रेस ले लूँ और इंगेजमेंट भी है तो मेरी अपनी फैमिली की है तो लेना खरीदारी करना तो बनता है क्योंकि अगर दूर का रिलेशन हो तो हमारे पास जो भी कपड़े होते हैं उससे हम काम चला लेते हैं लेकिन जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो मन करता है कि हम बहुत सारी शॉपिंग करें और बहुत सारी चीजें खरीदें तो वही मैं सोच रही हूँ और दीपावली में घर भी जाना है तो उसका भी टेंशन है घर की साफ़ सफाई भी करना है उसका भी टेंशन है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कब शॉपिंग करूंगी कब क्या लूंगी तो आप सब प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए